ये तस्वीरां ने मोहाली शहर नूं चंडीगढ़ नाल जोड़न वाले इलाके दियां पिछले 8 महीनियां तों इत्थे धरना लग्या होया आवाजाई प्रभावित हो रही है इसलिए 4 सितंबर नूं पंजाब पुलिस ने मोर्चे तो एक पासे दा राह यानी कि चंडीगढ़ तो मोहाली जाण वाली सड़क खाली करवाई इस दौरान पुलिस अते प्रदर्शनकारियों दरमियान तिखी बहस भी हुई ते धक्का मुक्की भी ये तस्वीरां उसे वेले दियां ने 5 सितंबर नूं मोर्चे करके प्रभावित हो रही आवाजाई सने 8 महीने तो लगे धरने के मसले से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सुनवाई भी है जिससे पंजाब सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के PIL यानी कि जनहित पटीशन पाई गई है और सुनवाई पहला भी हो चुकी है। पंजाब के DGP गौरव यादव तक नूं तलब किया गया सी। हुणे भी जान लवो कि आखिर क्यों किथे ते कदों तो जारी है मोर्चा। कौमी इंसाफ मोर्चा बंदी सिंघां दी रिहाई मंगदा है। 7 जनवरी तो मोहाली दे YPS चौक ते धरना जारी है। 6 फरवरी नूं जत्थां दे रूप दे विच मुख्यमंत्री रिहाइश वल कूच करन दी कोशिश कीती गई सी ते इसे तहत 8 फरवरी नूं मोर्चे दे कूच दौरान हिंसा हो गई। 8 फरवरी नूं ट्रैक्टरां नाल बैरीकेड तोड़े गए ते घोड़ियां नाल पुलिस वी लतड़ी गई। हिंसा बाद भी मोर्चे ने चंडीगढ़ वल कूच दी कोशिश जारी रखी सी अते हुण 4 सितंबर नूं पुलिस ने मोर्चे तो एक पासे दा राह खाली करवाया। मोर्चे करके प्रभावित हुंदी आवाजाई दा मुद्दा अदालती गेट च फसिया होया। अदालत ने कहा सी कि प्रशासन कोई फैसला ले क्योंकि ये धरना हमेशा नहीं चल सकता। कौमी इंसाफ मोर्चे दे मसले दे हल वास्ते कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा अते कुलदीप सिंह धालीवाल भी मोर्चे नाल मीटिंग कर चुके ने पर नतीजा कोई नहीं सी निकलिया अते जनवरी तो लग्या ये धरना अजे भी जारी है। ਪੈਸਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ